हिंदुस्तान के तमाम भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए अभी दिन दसवां है और आज की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए अभी ये बर्ड देखिए, दसवें दिन में उसके पंख इस तरीके से निकाल के आए हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ किए पंख। और इसका मैं पुट्ठा दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये चीज़ इसका, ये जो बॉडी पार्ट है नीचे वाला, ये जितना फलना वो 100% 2.5 किलो तक गेन करेगा ये बर्ड। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। और आज मैं आपको दसवें दिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये दिखाने जा रहा हूँ, ब्रूडिंग एरिया जो होता है। ब्रूडिंग मतलब जहाँ पहले दिन चिक आते हैं, हम राउंड करके उसमें चिक रखते हैं, उसको ब्रूडिंग एरिया कहते हैं। तो 10 दिन के बाद कम से कम 4-5 दिन के लिए ब्रूडिंग एरिया पूरा खाली करना मांगता है। उसको पूरा उस एरिया को खाली करके वहाँ के चिक्स दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके पोल्ट्री में फैला के ये इसको अभी रैचिंग होगी। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, थोड़ी थोड़ी चिकाबी भी है इसमें, ये बारिश की वजह से गीला हो गया था, आप देख सकते हैं। ये जो ये पूरा गीला है, मोटरिटी भी ज़्यादा हुई थी, ये गीला हो गया। इसको सूखने के लिए पूरा सूखा देंगे इसको, नहीं तो इसमें इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और उससे डिसीज आने का खतरा है। इस एरिया को पूरी तरह से सूखा दिया जाएगा और सूखा देने के बाद फिर उसमें बर्ड को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये एरिया देखो पूरा खाली किया है, आप देख सकते हैं। इधर तो सूखा है, इस जगह गीला है, इस जगह को हम खाली करेंगे पूरी तरीके से। ये देखिए यह गीला है, इसको ऐसा रैचिंग करके ये सूखने के बाद इसमें थोड़ा सा चूना मिलाया जाएगा और चूना मिलाने के बाद इसे फिर से यह बर्ड को ट्रांसफ़र किया जाता है। और सुखाना क्यों ज़रूरी है, ये जब ऐसा ही रहेगा गीला रहेगा तो अमोनिया नाम का गैस उसमें से बाहर आता है और अमोनिया से मतलब आपका पक्षी फीड तो खाएगा मगर एकदम से ऐसे बेचैन रहेगा और ग्रोथ भी नहीं होगी। अमोनिया सबसे बड़ा दुश्मन है इस धंधे का, तो अमोनिया वायु को होने नहीं देना है, उसका इफेक्ट हमारे बर्ड के ऊपर नहीं होने देना है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ आज। इसलिए ब्रूडिंग एरिया को अभी पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है और आप देख सकते हैं चिक कंडीशन अच्छी है। 10वां दिन है आज और आगे भी मैं 11वें दिन का बताऊंगा। धन्यवाद भाइयों।